आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे करिए मोबाइल, क्या नाम है मोबाइल की? आपका क्या नाम है? मेरी तरफ से सुखोई थी आपको, खूब अच्छा बताओ कौन सा चुनाव निशान है ये बताइए। कमाल, बहुत धन्यवाद मोदी जी, योगी जी। ये हमारे एमएलसी हैं सतीश श्रीजन जी, चलिए प्लीज। सुभाष बाबू की जयंती है, सुभाष जी की जयंती का आपको शुभकामनाएं। आज मोदी जी सुभाष जी का जो बहुत बड़ा मूर्ति है ना दिल्ली में लगा रहे हैं इंडिया गेट का, वो पता है ना। देखिए जो पूरे प्रदेश का वातावरण है उसका आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रहा है, और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग वातावरण दिख रहा है। पलायन जहां का एक भय का वातावरण था जहां पर, वहां आज लोगों में विश्वास जागा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में पलायन करने वाले पलायन कर गए थे, या तो उत्तर प्रदेश से भाग गए थे, या जेल में थे, या ऐसी जगह थे जहां से लौट नहीं सकते थे। आज लोगों को डर फिर से पैदा हो रहा है इस बात का कि ये माफिया, ये अराजक तत्व, गुंडा मवाली, आज विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा कि कई जगह उन्होंने प्रत्याशी बना दिया है, और अगर प्रत्याशी नहीं बनाया तो उनके परिवार वालों को प्रत्याशी बना दिया है। और आज ये गुंडा मवाली कई जगह पे ऐसे हैं जो खुलेआम कुछ दलों का समर्थन कर रहे हैं, और एक तरीके का अप्रत्यक्ष रूप में वो चेतावनी देने की का सपना देख रहे हैं कि लोग अगर उनके उनके साथ नहीं रहे तो वो दहशत पैदा करने का, वातावरण पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अब प्रदेश बदल चुका है, ये पलायन वाला नहीं, अब ये विकास वाला प्रदेश है। और अराजक तत्व जो है वो अब उसका स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। 10% से ज्यादा मत पाएगी, और पिछला जो जीत का रिकॉर्ड है बीजेपी तोड़ेगी। सर सिर्फ मुस्लिम ध्रुवीकरण जो हो रहा है वैसी, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। इसको कभी कोई जातिवाद में विपक्ष बांटकर चुनाव जीतने का सपना, हालांकि पहले ये लोग जीते भी हैं, लेकिन अब वो विकासवाद का स्वाद चखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब यहाँ जातिवाद संप्रदायवाद का कोई स्थान नहीं है। पहले कुछ दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो, ये लोग सांप्रदायिक उन्माद फैला के वो ध्रुवीकरण करते थे अल्पसंख्यकों के मतों को भड़का के। अब की वो उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बाद जो राष्ट्रीयवादी तत्वों को, भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोगों की प्रचंड बहुमत से जो बीजेपी में उन्होंने जिता के भेजा है, उसको उन्होंने दृश्य देखा है, तो अब की वो स्वयं से वो भड़काने वाली बात तक करके उन्होंने हैदराबाद से बुलवाया है। ये बी टीम है ओबीसी की, और ये बी टीम जो है एमआईएम की, ये अब की अल्पसंख्यकों को, बंधुओं को हमारे भड़काने का काम कर रही है। अब वो कोई उनके चारे में नहीं आने वाले। अब की आप देखिएगा जो सर्वे बता रहे हैं 84%, अभी कल का एक बड़े चैनल का, भारत के बड़े चैनल का सर्वे था कि जो 84% लोग हैं या तो सहमत हैं या तो बहुत अधिक सहमत हैं बीजेपी सरकार से। इसके मतलब जो 20% अल्पसंख्यक था, वो 20% अल्पसंख्यक में से भी सेंध लगा है, उनमें भी तमाम बड़ा भारी जो संख्या है उसकी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनका महत्व है, और यही एजेंडा हमारा लेके चले हैं। क्षेत्रवाद और ये जो परिवारवाद और ये जो गुंडा और माफियावाद है, इसका उन्मूलन यही हमारा महत्व है। और मुझको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब पिछला जो चुनाव है उसका रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तोड़ने वाला है। बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं करी, बीजेपी तो विकासवाद की राजनीति करती है। हाँ करती है, विकासवाद की करती है। हम परिवारवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद इसमें नहीं करते, हम तो विकासवाद के अनुयायी हैं। आपने कहा आदरणीय प्रियंका जी के बारे में, अब मैं उसके बारे में टिप्पणी क्या कर सकता हूं? अब उनको भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, चुनौती से डर गए कि उत्तर प्रदेश में अब जो सर्वे दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो टेलीविजन का कोई भी सर्वे 3 से 7 के ऊपर 3 कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 सीटें दिखा रहा उनका, और पिछले बार का रिकॉर्ड भी आप जानते हैं। मैं इतना ही केवल कह सकता हूं कि पिछला जो अंक था कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उस अंक तक ये कोई नहीं पहुंचने वाले। और उत्तर प्रदेश के
जो 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, सपा बसपा माकपा भाकपा एमआईएम, इस सब को मिलाकर जो योग होगा वो 3 अंकों का तिहाई अंक पार नहीं करेगा।